श्री श्याम मंडल द्वारा कार्तिक मास की एकादशी के दिन श्री श्याम महोत्सव का आयोजन सोमवार को भव्य रूप से मनाया गया। मारवाड़ी समाज द्वारा श्री श्याम महोत्सव की शोभा यात्रा विगत 45 वर्षों से बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। कालीबाड़ी मंदिर से कालीबाड़ी के महंत जी के साथ बैंड बाजे और घोड़े के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में मारवाड़ी समाज के महिला पुरुष और छोटे छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंग बिरंगे श्री श्याम के चित्र बने झंडों के साथ श्याम भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा काली मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्ग से होकर प्रस्तावित श्री देव धाम मंदिर पुरानी चुंगी बीएससी ऑफिस के पास समाप्त हुई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए दुर्गेश बजाज और श्री श्याम भक्त ने कहा। कार्तिक मास के एकादशी के दिन बाबा का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के मारवाड़ी समाज के सारे लोग एकत्रित होकर के बाबा को रिझाने का कार्य करते हैं। इसी क्रम में प्रातः कालीबाड़ी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाती है और सायंकाल त्रिदेव धाम मंदिर पे भव्य भजन संध्या का आयोजन है। और हर साल इसी तरह निकलती है कि दस दो को एक निशान के साथ शोभा यात्रा निकल रही है। अभी भी बहुत उत्साह है, हर साल ये बहुत उत्साह से निकलता है और